गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज पैथोलॉजी ऑनलाइन क्लास का सेकंड लेक्चर है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेलुलर इंजरी और उसके एडाप्टेशंस, सेलुलर इंजरी के कॉजेज, उसके एडाप्टेशंस और उसके बाद मॉडरेट और सीवियर इंजरी पे सेल में क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट होंगे उसको डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में रिवाइज इसलिए नहीं करें क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो पुरानी वीडियो अभी भी अपलोडेड है, उसको देख सकते हो। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सेल इंजरी में जो चेंजेस हम लोग ने कल स्टार्ट किए थे उसका ये फ्लो चार्ट समझ लो। अगर सेल में डैमेज स्टार्ट हो रहा है, सेल को इंजरी हुई, सबसे कॉमन इंजरी होती है ऑक्सीजन की कमी से, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर सेल को हाइपोक्सिया हुआ यानी ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन मतलब होता है सेल द्वारा ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना। ये काम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल में डैमेज स्टार्ट होगा। डैमेज कैसे स्टार्ट हो रहा है? रेस्पिरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी कम बनेंगे। एटीपी हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है, करेंसी है। कोई भी चीज़ की एनर्जी यूज़ होने के लिए एटीपी इस्तेमाल की जाती है। किसी भी प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत हो तो बॉडी एटीपी यूज़ करती है। तो सबसे पहले सेल के पास जो एटीपी सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप कहाँ पर होता है? कल बताया था, सेल की मेम्ब्रेन पर होता है, जो सोडियम को बाहर भेजता है, पोटेशियम को अंदर भेजता है। अगर ये पंप बंद हो गया, क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि एटीपी कम मिलेंगे। एटीपी नहीं मिलेगा, पंप काम नहीं करेगा और सेल के अंदर सोडियम जमा होने लगेगा। जब सोडियम रुकेगा तो साथ में वाटर भी रुकेगा और पानी भरने लगता है। सेल के अंदर सोडियम और वाटर जमा होगा, जिससे सेल में स्वेलिंग आ जाएगी। तो जैसे ही सेल में डैमेज स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन डाउन होता है, एटीपी कम बनते हैं, पंप बंद हो जाता है और सेल के अंदर सोडियम और वाटर भरने लगेगा। सेकेंड पंप हम लोग ने पढ़ा था कैल्शियम पंप। इसका काम था भी सेल से कैल्शियम को हटा के रखना, बाहर निकालते रहना। अगर ये पंप भी बंद हो गया तो सेल के अंदर कैल्शियम जमा होने लगेगा। कैल्शियम के जमा होते ही सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिनमें मेन एंजाइम थे फॉस्फोलाइपेजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस और प्रोटीएजेस। ये मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा, सेल की मेम्ब्रेन टूटने लगेगी। ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनए टूटने लगेगा। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, यानी सेल का पूरा स्ट्रक्चर अंदर से डाइजेस्ट होने लगेगा, सेल टूटने लगेगी। लास्ट हम लोग ने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है सेल को, तो वो लैक्टिक एसिड बनाने लगती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज को तोड़ के फर्मेंटेशन की तरह बिना ऑक्सीजन के वो लैक्टिक एसिड बनाएगी। एसिड जमा होने लगेगा सेल के अंदर, जिससे डीएनए क्लंप होने लगेगा, क्लंपिंग होने लगती है, जमा होने लगता है। क्लंपिंग को समझो, क्लंपिंग मतलब होता है डीएनए ऐसा है और क्लंप होके वो ऐसा हो गया, क्लंपिंग स्टार्ट हो गई। और एंड में आता है लाइसोसोम के एंजाइम का रिलीज। लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो सुसाइड बैग्स कहलाते हैं सेल के। जब वो टूटने लगेंगे तो सेल के अंदर सारा एंजाइम रिलीज होगा और सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। क्लियर? कल इतना पढ़ा था। ये कॉमन चेंजेस थे किसी भी इंजरी से, चाहे रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में मेनली क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी, क्लियर? रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब रिवर्स हो सकती है। अगर एक सेल को हमने डैमेज दिया, कोई सा भी डैमेज था, मान लो इसको हमने ऑक्सीजन कम कर दी थी, इसकी सेल को डैमेज स्टार्ट हो गया था, तो पहले तो ये अडाप्ट करने की कोशिश करेगी। अडाप्ट नहीं कर पाई तो इसमें चेंजेस आने लगेंगे, वो पहले आएंगे रिवर्सिबल चेंजेस। यानी रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि अगर हम ऑक्सीजन जो कम दी थी इसको, अगर हम थोड़ी देर के बाद वापस पूरी ऑक्सीजन देने लगे तो ये सेल नॉर्मल हो जाएगी। रिवर्स होके वो सेल नॉर्मल फंक्शन पे फिर आ सकती है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेल फंक्शन। मरेगी नहीं सेल। लेकिन अगर ये जो ऑक्सीजन की कमी थी ये कंटिन्यू चलती रही, तो सेल में इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे, सेल वापस सही नहीं हो पाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या चेंजेस होंगे?
जो कल सारी प्रोसेस पढ़ी है सारे वही चेंजेस फिर से बताएंगे, तो पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी सेल इंजरी का आएगा, तुम्हें ये सारा जो ग्राफ कल डिस्कस किया था लेक्चर वन में यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है वो ज़रूर लिखना पड़ेगा। सारे चेंजेस कॉमन है, वो रिवर्सिबल में हो चाहे इरिवर्सिबल में हो, उसके आगे और क्या चेंजेस एक्स्ट्रा है वो हम इसमें बता रहे हैं कि रिवर्सिबल में मेनली क्या क्या है और इरिवर्सिबल में उससे ज़्यादा क्या क्या चेंजेस आने लगेंगे। तो रिवर्सिबल में चेंजेस देखो, पहला सबसे पहला आता है सेल्युलर स्वेलिंग। सेल में स्वेलिंग आने लगती है, सेल में पानी जमा होने लगता है। तो सेलुलर स्वेलिंग का रीज़न क्या था, कल क्या बताया था, सोडियम और वाटर जमा होने लगता है। रीज़न क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप को एटीपी नहीं मिलेगा, इसकी वजह से ये बंद हो जाएगा और सेल के अंदर सोडियम जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से अंदर पानी भी खींचा चला आएगा, जहाँ सोडियम वहाँ पानी, इसकी वजह से सेल में स्वेलिंग आ जाएगी और ये सेल फूली हुई दिखेगी, समझे। इसको बोला सेलुलर स्वेलिंग। तो पहला चेंज जो आएगा वो आएगा सेलुलर स्वेलिंग। रीज़न क्या होगा, क्योंकि इसमें पानी और सोडियम जमा होने लगा। रीज़न क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप का बंद हो जाना। सेलुलर स्वेलिंग दिखाई कैसे देगी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेल फूली हुई दिखेगी या फिर कुछ चेंजेस इसमें ऐसे दिखेंगे, सेल जो फूल रही है ऐसे, ये क्या हुआ, सेल के बाहर ऐसे पाउचेस बन गए, पानी के भरे हुए पाउच बन गए, इसको बोलते हैं ब्लब्स, छाले निकल आना, जैसे ब्लब फॉर्मेशन। तो सेलुलर स्वेलिंग एंड ब्लब फॉर्मेशन ये तुम एक साथ भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में आएगा रिवर्सिबल सेल इंजरी, पहला चेंज आता है सेलुलर स्वेलिंग एंड ब्लब फॉर्मेशन, ब्लब बनने लगे। ब्लब का मतलब छोटे छोटे छाले नुमा स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ फूल गई सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ निकल आई क्योंकि अंदर पानी भर रहा था, तो पूरी सेल फूली या फिर उस पर ब्लब्स बन गए, इसको बोला ब्लब फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या होगा, सेल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो सेल में पानी भर रहा है तो सेल के अंदर की चीज़ों में भी पानी भरने लगेगा, तो सबसे ज़्यादा उसमें स्वेलिंग दिखेगी तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी ये फूली हुई दिखेगी, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, फूल गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पानी जमा होने लगा और वो स्वेलिंग हो गई उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था, इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम इस पर से छूट जाएंगे, राइबोसोम डिटैचमेंट। तो सेकेंड स्टेप हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग एंड राइबोसोम डिटैचमेंट, डिटैच हो गए, अलग हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सूजन आई और उस पर चिपके हुए राइबोसोम छूट गए, इससे प्रॉब्लम फिर क्या स्टार्ट होगी, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। सेल में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोटीन के फॉर्म में बनाता है, कौन, राइबोसोम। और राइबोसोम चिपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो जब राइबोसोम उस पर से छूट गए, डिटैच हो गए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आ गई, तो अब राइबोसोम का फंक्शन कम हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल में जो डैमेज स्टार्ट हुआ उसको बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए नई प्रोटीन बनाने की क्षमता भी कम हो गई सेल की। अब जो इंजरी हो रही है वो नए प्रोटीन बनाने की ताकत कम हो गई है, इसलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी कम हो जाएगा, सेल में प्रोटीन कम रहेगी। तो पहला चेंज आया सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा ब्लब फॉर्मेशन, छाले बनने लगे, तीसरा आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्वेलिंग, चौथा बताया राइबोसोम छूट गए और इससे प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गई। इसके अलावा इसमें बनेंगी कुछ माइलिन फिगर्स, सेल के अंदर हमको दिखते हैं, फोर्थ लिख सकते हो माइलिन फिगर्स, इनको नाम देते हैं माइलिन फिगर। क्यों, कैसे बनते हैं माइलिन फिगर्स, क्या है, जब ये सेल मेम्ब्रेन हमारी डैमेज होना स्टार्ट होती है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कैसे स्टार्ट होता है, सेल के अंदर कैल्शियम पंप रुक जाता है,
जिसकी वजह से कुछ एंजाइम कैल्शियम बढ़ने लगता है और कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। उन एंजाइम में मेन था फास्फोलाइपेजेस। वो फास्फोलाइपेज क्या करते हैं, फास्फोलाइपेज इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। तो फास्फोलाइपेज एक एंजाइम है, ये कब एक्टिवेट होता है, जब कैल्शियम बढ़ा हुआ होता है सेल के अंदर। फास्फोलाइपेज इसको डाइजेस्ट करता है और इसके डाइजेस्ट होने के बाद फास्फोलाइपेज जब इसको डाइजेस्ट करेगा तो लिपिड्स निकलते हैं। फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड की बनी होती है मेम्ब्रेन, लिपिड्स निकलेंगे और कैल्शियम ऑलरेडी बढ़ा था, ये मिल के ऐसे कॉन्सेंट्रिक छल्ले नुमा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। सेल के अंदर ऐसे माइलिन फिगर्स दिखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे सेल के अंदर तो ऐसे माइलिन फिगर्स दिखाई देने लगेंगे। ये माइलिन फिगर्स दर्शाते हैं कि मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, इनको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। ये रिवर्सिबल इंजरी में भी दिखते हैं, ये इरिवर्सिबल इंजरी में भी दिखते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज तो दोनों में हो रहा है, और अगर माइलिन फिगर्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी स्टार्ट हो गई है। माइलिन फिगर्स दोनों में बनेंगे, रिवर्सिबल में भी इरिवर्सिबल में भी। इरिवर्सिबल में कुछ ज़्यादा बनेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन ज़्यादा डैमेज होगी, वो ज़्यादा डैमेज वाली इंजरी है इरिवर्सिबल। सब प्रोटीन फास्फोलिपिड यहाँ से डाइजेस्ट होने लगेगी और वो अंदर आके कैल्शियम से मिलके ऐसी अमॉर्फस डेंसिटीज सॉरी माइलिन फिगर्स बनाने लगेंगे, इनको बोला माइलिन फिगर्स। क्लियर? तो चौथा हो गया माइलिन फिगर्स। फिफ्थ चेंज तुमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज दिखती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटी छोटी कोई शेप नहीं होता, एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब होता है जिसका कोई शक्ल सूरत ना हो, एमॉर्फस। मॉर्फस मतलब होता है चेहरा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं कि कह दो इस शेप की होती, जैसे इसका एक शेप है, किसी भी शेप की हो सकती है। छोटी छोटी इसमें एमॉर्फस डेंसिटीज मिलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम भी जमा होने लगता है और वो डैमेज भी होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज मिलती हैं, छोटी। इरिवर्सिबल वाले में पढ़ेंगे उसमें लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज मिलती हैं। ठीक है, और सिक्स होता है हमारा डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज तो रिवर्सिबल वाली में डीएनए डैमेज कैसा हो रहा है, सिर्फ क्लंपिंग हो रही है, डीएनए क्लंपिंग। क्लंपिंग मतलब एक सिकुड़ जाना, एक जगह पे आ जाना है, डीएनए क्लंपिंग। क्लियर? तो क्या क्या चीज़ें हुई रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल इंजरी आएगी तो तुम्हें क्या पॉइंट्स लिखने होंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करना है इस फ्लो चार्ट को कि ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। हाइपोक्सिया होगा, रेस्पिरेशन कम होगा, एटीपी कम बनेगा, सोडियम पोटेशियम पम्प डाउन हो जाएगा जिससे सोडियम और पानी रुकने लगेगा, कैल्शियम पम्प डाउन हो जाएगा जिससे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, लैक्टिक एसिडोसिस होगी जिससे डीएनए क्लंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एंड में लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज होंगे और सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। तो क्या क्या चेंजेस लिखे, पहला चेंज हुआ सेलुलर स्वेलिंग और ब्लब फॉर्मेशन। रीज़न क्या था, सोडियम पोटेशियम पम्प का बंद होना, अंदर पानी और सोडियम का जमा होना और सेल में स्वेलिंग आ जाना। ये स्वेलिंग ऐसी भी दिखेगी और ब्लेब जैसे बनने लगेंगे सेल के ऊपर छाले नुमा, उनको बोलते हैं ब्लेब फॉर्मेशन। सेकेंड बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आ जाएगी, इसको वन और टू भी कर सकते हो अलग अलग, अगर ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है तो सबको अलग कर दो जिससे पेज ज़्यादा भर सको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग आएगी और उस पर चिपके हुए राइबोसोम छूटने लगेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलके प्रोटीन बनाते हैं, अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो सेल के अंदर नई प्रोटीन नहीं बन पाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस डाउन है। फोर्थ बताया माइलिन फिगर्स दिखते हैं हमको सेल के अंदर। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं, माइलिन फिगर्स ये फैट और लिपिड और कैल्शियम के मिले हुए स्ट्रक्चर है, इसीलिए माइलिन बोलते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ भी होती है फैट की बनी हुई। न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ होती है या माइलिन फिगर्स हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक यानी छल्ले नुमा प्याज के जैसे कॉन्सेंट्रिक वर्ल्स छल्ले, ये इस शेप में कॉन्सेंट्रिक छल्ले बनने लगते हैं जिनको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। क्यों बन रहे हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है जो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके उसमें से लिपिड निकाल लेता है और वो लिपिड कैल्शियम में सेल के अंदर मौजूद कैल्शियम से रिएक्ट करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं माइलिन फिगर्स। नेक्स्ट बताया माइलिन फिगर्स दिखते किस में, रिवर्सिबल में भी इरिवर्सिबल में भी। ज़्यादा किस में मिलेंगे, इरिवर्सिबल में, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन ज़्यादा डैमेज होगी।
फिफ्थ बताया माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर जमा होने लगेंगे, डेंसिटीज, इनको बोलते हैं एमॉर्फस डेंसिटीज। सिक्स बताया डीएनए में डैमेज होगा, डीएनए क्लंपिंग होने लगती, किस वजह से होती है, लैक्टिक एसिड से, ऑक्सीजन कम है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, वो लैक्टिक एसिड सेल के अंदर का पीएच कम कर देता है, पीएच कम कर देता है यानी एसिड बना देता है, एसिडिक नेचर कर देता है, उसकी वजह से डीएनए में क्लंपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस मिले हमको रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी ग्रेडिंग बताई थी तुम लोग को हमने कि अगर सेल पे कोई डैमेज हो रहा है तो पहले माइल्ड होती है, हल्की फुल्की डैमेज है, मॉडरेट है, ज़्यादा डैमेज है, और सीवियर यानी बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो माइल्ड अगर कोई डैमेज हो रहा है, माइल्ड इंजरी है तो एडाप्टेशन होता है, सेल खुद को एडाप्ट कर लेती है, मॉडरेट है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, उसके भी जो चेंजेस होंगे जो भी पीछे पड़े वो सारे दिखेंगे, अगर सीवियर है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तब चेंजेस आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, समझे। तो अब हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के, इसमें भी स्टार्टिंग वैसे ही होती है, सोडियम पोटेशियम पंप बंद होगा जिसकी वजह से सेल में सोडियम बढ़ने लगेगा, स्वेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ सारा काम ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सेल में डैमेज जो होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, वापस सेल नॉर्मल नहीं हो सकती है। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल के बाद की कंडीशन है, यानी रिवर्सिबल एक पहुँची इस पॉइंट के बाद, अब जो चेंजेस आएंगे वो इरिवर्सिबल बन जाएंगे, समझ गए। एक पॉइंट ऐसा है यहाँ से सेल डैमेज होना स्टार्ट हुई है, एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ तक की डैमेज हुआ तो वापस भी हो सकती है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन और डैमेज होता चलेगा तो अब ये कंडीशन आ गई इरिवर्सिबल की, यहाँ तक की डैमेज था ठीक है, अभी तक हटा लो अगर डैमेज तो ये सेल वापस नॉर्मल होगी, लेकिन अगर ये पॉइंट क्रॉस कर गई अभी भी डैमेज होती रही सेल तो अब ये कंडीशन हो जाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी तुम सारे फ्लो चार्ट वही बनाओगे, कौन सा, ये वाला, हाइपोक्सिया, रेस्पिरेशन कम, एटीपी कम, सोडियम पोटेशियम पम्प कम, स्वेलिंग होने लगी, कैल्शियम पम्प बंद हो गया जिससे कैल्शियम जमा हुआ, एंजाइम एक्टिवेट हुए, लैक्टिक एसिडोसिस से डीएनए डैमेज हुआ, और एंड में लाइसोसोम एंजाइम रिलीज हुए जिससे सेल पूरी डाइजेस्ट हो गई। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये सारे पॉइंट लिख के कुछ स्पेशल पॉइंट और क्या क्या होते हैं, तो पहला होगा, सबसे पहली बात इसमें माइलिन फिगर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े नंबर में माइलिन फिगर्स बनने लगेंगे क्योंकि सेल में मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगी है, सारी मेम्ब्रेन का लिपिड घुल घुल के अंदर आके माइलिन फिगर्स बना रहा है, समझे। तो माइलिन फिगर इन लार्ज नंबर ज़्यादा बनने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट, माइलिन फिगर बनने का प्रोसीजर बता चुके हैं, फास्फोलाइपेज आएंगे, लिपिड यहाँ से निकलेगा, इसको डाइजेस्ट करेंगे, मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फेट और लिपिड्स, इसलिए बोलते हैं इसको फॉस्फोलिपिड, इसको डाइजेस्ट करोगे तो फॉस्फेट अलग, लिपिड अलग, और ये लिपिड कैल्शियम से मिलकर बना लेता है माइलिन फिगर, अभी पीछे एक्सप्लेन किया, तो वो यहाँ ज़्यादा हो रहा है प्रोसेस, इसकी वजह से ज़्यादा माइलिन फिगर बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है एमॉर्फस डेंसिटीज ज़्यादा बनेंगी और बड़ी बनेंगी, लार्ज एमॉर्फस माइटोकॉन्ड्रिया में जो बन रही थी डेंसिटीज, बड़ी बड़ी डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एमॉर्फस डेंसिटीज बड़ी बड़ी बन रही हैं, अब जो एमॉर्फस डेंसिटीज दिखेंगी हमको माइक्रोस्कोप में वो बड़ी बड़ी दिखेंगी। एक चेंज हुआ, माइलिन फिगर का नंबर बढ़ गया, दूसरा हुआ एमॉर्फस डेंसिटीज बड़ी बड़ी दिख रही हैं, थर्ड क्या होगा, न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल की डेथ तब होगी जब वो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को तोड़ दे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ी और बन जाएंगी, राइबोसोम छूट जाए कोई बात नहीं, फिर से रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर सेल की मेम्ब्रेन टूटने लगी और न्यूक्लियस डैमेज होने लगा, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, अगर वो डैमेज स्टार्ट हो गया तो फिर सेल वापस रिपेयर हो पाना बहुत मुश्किल होता है, वो इरिवर्सिबल में चली जाती है। तो न्यूक्लियर चेंजेस क्या होते हैं,
अब यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाला है कि न्यूक्लियर चेंजेस इसमें तीन होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। क्या क्या होते हैं? पिकनोसिस, पहला स्टेप है पिकनोसिस, सेकंड है कैरियो रेक्सिस और लास्ट है कैरियो लिसिस। पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस। क्या क्या होता है ये? पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। पिकनोसिस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का कंडेंसेशन हो रहा है। कैसा दिखता है ये देखो, मान लो ये नॉर्मल न्यूक्लियस था, ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लियस था, सेल बड़ी सी था, ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है जिसमें ये अंदर डीएनए दिख रहा है जब इसको हमने स्टेन किया था, ये नॉर्मल है। जब न्यूक्लियर कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला पिकनोसिस स्टेप होती है। पिकनोसिस में क्या होगा? जो न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल है ये एक जगह इकट्ठा होने लगा, इसको बोला पिकनोसिस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक जगह जमा हो जाना। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप कैरियोरेक्सिस। रेक्सिस मतलब होता है टूट जाना, अंदर ही अंदर ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनने लगते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोरेक्सिस, फ्रैगमेंट होने लगते हैं न्यूक्लियस के। तो कैसा दिखेगा ये? छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया, इसको बोला कैरियोरेक्सिस, इसको नाम असली इंग्लिश का नाम देंगे फ्रैगमेंट। ये कंडेंसेशन, ये फिर फ्रेगमेंटेशन और एंड में आता है कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस, कैरियोलिसिस का मतलब हुआ अब ये जो न्यूक्लियस है ये टूट गया, लिसिस मतलब होता है टूट जाना, अगर न्यूक्लियस टूट जाए तो उसको बोलते हैं कैरियोलिसिस। अब ये पूरा न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाना, समझे? तो ये तीन स्टेप जो है पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मेन पॉइंट हैं। बाकी चेंजेस तो सारे रिवर्सिबल जैसे ही हैं, सिर्फ ये जो न्यूक्लियस में चेंजेस हैं ये एकदम स्पेसिफिक है इरिवर्सिबल के लिए। क्या क्या चेंजेस हुए? मायलिन फिगर्स ज़्यादा बन गए, एमॉर्फस डेंसिटीज बड़ी बड़ी बन गई, न्यूक्लियस में चेंजेस स्टार्ट हो गए, उन चेंजेस के नाम पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस। सबसे एंड में होता है जब पूरी सेल डेथ होने वाली है तो क्या होगा? लाइसोसोम एंजाइम रिलीज। लाइसोसोम के पास एंजाइम्स थे जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते थे, ये पाउच भरे रखे थे, ये पाउच अपने एंजाइम रिलीज कर देगा और पूरी सेल डाइजेस्ट होने लगेगी। और फिफ्थ होता है मेम्ब्रेन रप्चर, ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, समझे बात? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल वापस नॉर्मल नहीं होगी, अब डेथ होना है सेल की, इसलिए मेम्ब्रेन टूट गई और सेल ख़त्म, सेल की डेथ हो गई, समझे? माइक्रोस्कोप में क्या क्या चेंजेस मिले हमें? माइलिन फिगर्स बने, लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज मिली, न्यूक्लियस में ये चेंजेस मिले पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस, इसका कॉमन नाम है कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन और डिसोल्यूशन। कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन और डिसोल्यूशन, मेडिकल नाम है पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। फिर लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज होंगे, वो सेल को पूरा डाइजेस्ट कर देंगे और एंड में मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाएगी, सेल ख़त्म। ये माइक्रोस्कोप में चेंजेस मिलेंगे। इसके अलावा जो सेल के अंदर इसके ज़रूरी एंजाइम थे जो हमेशा सेल के अंदर रहते थे, सेल के टूटते ही ये ब्लड में आ जाएंगे, ये एंजाइम ब्लड में आ गए। इन एंजाइम को हम ब्लड में भी चेक कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हो रहा है, इनको बोलते हैं मार्कर एंजाइम्स। हमारे ऑर्गन का, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जा रहा है, यानी कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उसको पता लगाने के लिए हमें
ऑर्गन की बायोप्सी लेके माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ब्लड में मार्कर एंजाइम का लेवल चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है। कुछ मार्कर एंजाइम के एग्जाम्पल समझ लो जो हम लोग कॉमनली चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग डिस्कस करते हैं MI। MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इनफार्क्शन। इनफार्क्शन की स्पेलिंग देख लेना, इन्फ्रैक्शन नहीं है, इनफार्क्शन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आम बोलचाल में इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक या MI का रीजन क्या होता है? हार्ट है, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है, इसी के साथ ये खुद को भी ब्लड देता है, खुद को भी तो ब्लड चाहिए, ये भी तो जिंदा है। अगर इसको खुद को देने वाली आर्टरीज जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, इसमें ब्लॉकेज हो जाए, अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए तो खुद ऑक्सीजन हार्ट को ही मिलना बंद हो जाएगी। अगर किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। रीज़न क्या होता है हाइपोक्सिया का? सबसे कॉमन इस्कीमिया। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिया। रीज़न क्या है? इस्कीमिया यानी ब्लड ना मिलना। हार्ट को अगर खुद ही ब्लड ना मिले तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया, यानी ब्लड नहीं मिल रहा है हार्ट को, ब्लड नहीं मिलेगा इसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। सेल को इंजरी स्टार्ट हो गई, हार्ट की सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और अभी भी ये पंप किया जा रहा है तो यहाँ अब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे स्टार्ट होगा डैमेज। तो डैमेज स्टार्ट होगा पहले रिवर्सिबल, यानी अगर हम थोड़ी देर के बाद इसको ऑक्सीजन दोबारा दे दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो रिवर्सिबल जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। जो हार्ट में पेन होता है, सीने में दर्द होता है चलने फिरने पे, एग्जर्शन करने पे, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही आराम करते हैं वो दर्द ठीक हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं एंजाइना। क्योंकि सेल में डैमेज स्टार्ट हुआ लेकिन थोड़ी देर में तुमने, जब तक कि वो वापस आ सकती थी उसके पहले ऑक्सीजन फिर दे दी, आराम कर लिया या सबलिंगुअल नाइट्रेट की टैबलेट खा ली तो ऑक्सीजन दोबारा मिलने लगेगी और हार्ट वापस से नॉर्मल हो जाएगा, इसको बोलेंगे एंजाइना। उसमें सेल की डेथ नहीं हुई है, इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं आए। लेकिन अगर यही एंजाइना ठीक ना हुआ, इस्कीमिया कंटिन्यू होता गया है, 10 मिनट हो गए अभी तक कि इस्कीमिया चल रहा है, 20 मिनट के बाद सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं MI। तो MI में सेल की डेथ होती है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन का मतलब होता है सेल की डेथ ऑक्सीजन की कमी से, सेलुलर डेथ ड्यू टू हाइपोक्सिया, उसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। किसका इन्फार्क्शन हो रहा है? मायोकार्डियल, हार्ट की मसल्स का। तो अब अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, उनकी डेथ स्टार्ट हो गई, तो डेथ होने पे क्या होगा कि सेल की मेम्ब्रेन टूट जाएगी और सेल के अंदर जो मटेरियल था वो ब्लड में आ जाएगा। तो हम दो तरीके से हार्ट अटैक का पता लगा सकते हैं, या तो यहाँ से हम बायोप्सी निकाले कंफर्म करने के लिए कि हाँ सेल की डेथ हो रही है, या तो फिर जो सेल ने डेथ हुई है वो वहाँ का एंजाइम ब्लड में छोड़ दिया होगा, जो हमेशा पैकेट में पैक रहता था वो एंजाइम बाहर रिलीज हो गए। तो इन रिलीज एंजाइम को हम ब्लड में चेक कर लें। नॉर्मल इंसान में ये एंजाइम नहीं होने चाहिए, लेकिन जिसमें हार्ट की मसल्स टूट रही हैं उनमें ये एंजाइम मिलने लगेगा। इसके एग्जांपल होते हैं, सबसे कॉमन जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो है ट्रोपोनिन टी, ट्रॉप टी नाम सुना होगा, ट्रॉप टी या TNT, सारे एक ही नाम है, ट्रोपोनिन टी। दूसरा होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है क्रिएटिनिन काइनेज MB, CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज MB, और फोर्थ होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को एंजाइम नहीं है लेकिन केमिकल है। ये चार, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, क्रिएटिनिन काइनेज, ये भी एंजाइम है, CKMB और मायोग्लोबिन, ये हमेशा रहते हैं हार्ट की सेल के अंदर, जब तक कि सेल की डेथ नहीं होगी ये बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक बार MI हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सेल की डेथ हुई, तो ये सारे एंजाइम निकल के ब्लड में आ जाएंगे। सीधे ब्लड में तुम ट्रोपोनिन टी का लेवल चेक करो, अगर इसका लेवल एक नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ आ गया, कंफर्म हो गया कि इसको MI हुआ है, हार्ट अटैक आया था, ब्लड का टेस्ट करके तुमने हार्ट अटैक बता दिया। ट्रोपोनिन टी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कन्फर्म है कि इसको हार्ट अटैक आया था। क्लियर? रीज़न क्या है ट्रोपोनिन टी का? सेल की डेथ, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, सेल डैमेज हुई, मेम्ब्रेन टूटी, प्लाज्मा में या ब्लड में उसके एंजाइम आ गए, उन एंजाइम को हमने टेस्ट करके बता दिया कि इसको हार्ट की मसल्स में डेथ हुई है। समझे? यह था एग्जांपल मार्कर एंजाइम का। और कहीं के मार्कर एंजाइम पता? लीवर का मार्कर एंजाइम AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन।
अल्फा फीटोप्रोटीन AFP, ये लीवर का मार्कर एंजाइम है, यानी लीवर में डैमेज हो रहा है। इसके अलावा SGPT, SGOT, ये भी लीवर के मार्कर एंजाइम है। अगर लीवर में सेल की इन्फ्लेमेशन है, सेल डैमेज हो रही है, सेलुलर डैमेज चल रहा है, तो SGPT, SGOT ब्लड में बढ़ने लगते हैं। ठीक, लीवर के टेस्ट में ये कर सकते हैं हम, ये कॉमनली किए जाते हैं। ये कैंसर का मार्कर है इसका, AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर का मार्कर है, समझ गए। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें सेल की डैमेज होगी इरिवर्सिबल, वापस नहीं ठीक होगी, अब सेल की डेथ ही होगी तभी ये ख़त्म होगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी यानी थोड़ी देर के लिए सेल में डैमेज हुआ है, जैसे ही हम ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देंगे ये वापस सही हो जाएगी, सेल की डेथ नहीं होगी, ये नॉर्मल आ सकती है, बचाई जा सकती है, इसलिए रिवर्सिबल सेल इंजरी। और ये है इरिवर्सिबल इंजरी, जिसमें सेल की डेथ निश्चित है, न्यूक्लियर चेंजेस आने लगते हैं, न्यूक्लियस ख़त्म, सेल ख़त्म। चलो कल नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं इसके बाद।